दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन में बारिश न होने की वजह से किसानों के खेत सूखते जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर सोलन के किसानों ने चिंता जाहिर की है और कहा कि इस वर्ष फसलों के उचित दाम उन्हें नहीं मिले हैं। जो दाम मिले उनसे खेती का खर्चा भी नहीं निकल पाया है। अगर कुछ दिन में बारिश नहीं हुई तो उनकी फसल पूर्ण रूप से सूखने की कगार पर पहुँच जाएगी। किसानों ने कहा कि उनके द्वारा आजकल मटर, गोभी, लहसुन, बीन्स लगाई गई है, लेकिन बारिश न होने की वजह से खेत सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। स्थिति ऐसी ही रही तो सोलन के किसानों को आने वाले समय में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, फसल पे बहुत बुरा असर है, मतलब कि जो मटर के फसल है वो 2.5-3 इंच से ऊपर नहीं बढ़ पा रही, वहीं पे उस पे फूल लग चुका है और उस वजह से उसमें 4-4 फलियां लगनी है, उसके बाद उसने सूख जाना है। बस जिम्मेदार के मरे हाल है, मतलब बहुत बुरे हाल है। बारिश का सबसे मेन तो बारिश का होना ने, जो बारिश हो ही नहीं रही आपकी 2-2.5 महीने से, वो सबसे बड़ा कारण तो यही है। इसी साइड लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब आपका पौधा ही सरवाइव नहीं कर पाया है, जब पौधा ही आपका उठा नहीं है, तो बिना पानी के कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये किसानों की जो है, किसानों की आय बिल्कुल नील होगी इस साल। जो मटर की फसल से हमारे को कुछ 20-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये किसानों को आते थे, उससे कुछ नहीं आएगा। 2 रुपये की आपकी इनकम नहीं होगी। देखिए, न्यूनतम मूल्य जो दे वो तो सरकार से हम हमेशा से लेके मांग करता है, और हर लेवल का कृषि इसको करता आया है। न्यूनतम मूल्य तो होना चाहिए किसानों के लिए, कम से कम हमारे को ये तो पता होना चाहिए भी हमारी फसल इस भाव में बिकनी है, तो तब जिम्मेदारा करेंगे, नहीं तो फैक्ट्रियों में नौकरी करेंगे। अपने 5-8 हज़ार की नौकरी करेगा किसान, कृषि छूट दी जाएगी। अगर कृषि करेगा तो वही करेगा जिनके पास पानी उपलब्ध है। मैं गाँव पट्टी ब्राह्मणा का रहने वाला हूँ। इस बार जिस तरह से बारिश नहीं हुई है, इससे सूखा पड़ चुका है और सारी की सारी फसलें जो सूखती जा रही है, अगर चाहे आप मटर ले लो चाहे लहसुन ले लो, लहसुन की फसल को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और मटर को भी। मटर की हाइट हार्डली जाएगी, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चरलिस्ट हूँ, तो हार्डली जाएगी तो 1 फीट से ऊपर नहीं जाएगा और 1 फीट पर उस पर फूल पड़ गया है। तो इसका मतलब है कि जो बम्पर फसल हुआ करती थी वो इस बार ख़त्म है और इससे हर किसान को नुकसान ही होगा। इस बार कोई आय नहीं होगी, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है बीज पे या पेस्टिसाइड्स पे, वो भी खर्चे नहीं पूरे हो पाएंगे। 250 रुपये किलो के हिसाब से मटर का बीज पड़ा, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने 25 किलो बीज खरीदा है तो 6-7 हज़ार का हुआ है, और अगर मैं स्प्रे वगैरह करता हूँ तो 12-15 हज़ार रुपया मेरा खर्चा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस बार ये कवर हो पाएगा। अगर होगा तो यही कवर कर पाऊँगा मैं, बाकी कोई इनकम नहीं होगी मेरी। जो ये 6 महीने की इनकम होती थी वो नहीं हो पाएगी। क्या किसानों की मेहनत तो मिलेगी नहीं ना, मेहनत तब मिलती है अगर मान लो मैंने जिस हिसाब से मैंने 6 हज़ार का बीज लिया, उसके ऊपर सारी की सारी पेस्टिसाइड लगाई, मतलब 12-15 हज़ार का खर्चा हुआ, उसके ऊपर अगर मेरी फसल बिकती है 40-50 हज़ार की, फिर मुझे मेहनत मिलेगी उसमें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिलना ही चाहिए, और जो किसानों की फसल सूखती है या इस तरह का होता है तो सरकार को कुछ प्रावधान करना चाहिए कि उनको कुछ तो अमाउंट दिया जाए। मैं खुद बोलता हूँ कि कृषि करना लोग छोड़ देंगे, छोड़ इसलिए देंगे क्योंकि इनकम हो नहीं रही है, तो अपना घर कैसे चलाएं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।